कच्छ देवास जिले के प्रभारी मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया लाडली बहना योजना के शिविर का उद्घाटन करने पहुंची। सोनकच्छ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम अगेरा में मंत्री सिंधिया ने लाडली बहनाओं के फॉर्म अपने संयम के हाथों से भरे। प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के शिविर का उद्घाटन करने सोनकच्छ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम अघेरा में प्रदेश सरकार की पर्यटन मंत्री एवं देवास जिले की प्रभारी मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ग्राम बघेरा पहुंची। मंत्री सिंधिया ने शिविर का उद्घाटन किया और उपस्थित अधिकारियों से लाडली बहना योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। शिविर के उद्घाटन से पूर्व मंत्री सिंधिया ने लाडली लक्ष्मी बेटियों का पूजन कर शिविर का उद्घाटन किया और हितग्राही दुर्गाबाई का फॉर्म अपने हाथों से भरकर जमा किया। इस अवसर पर मंत्री सिंधिया ने लाडली बहनों को संबोधित करते हुए कहा कि शिवराज सिंह ने अपनी लाडली भांजे के बाद अपनी लाडली बहनों के लिए यह योजना चालू की है। आपको शिवराज मामा के साथ उनके चिन्ह कमल के फूल को याद भी रखना है। उन्होंने कहा, प्रदेश की सरकार लाडली बहनों के साथ ही महिलाओं के साथ है। हमारा लक्ष्य एक एक महिला को इसका लाभ मिले जो पात्रता रखती है। सरकार की योजनाओं का लाभ आप तक पहुंचा कि नहीं, इस बात की जानकारी लेने के लिए मैं खुद इस शिविर में आई हूं, ताकि हमारी कोई भी बहना इस योजना से वंचित नहीं रह जाए। इस अवसर पर पूर्व विधायक राजेंद्र वर्मा सहित बीजेपी के कई नेता व कार्यकर्ता उपस्थित थे। सोनकच्छ से रुपेश सिंह की रिपोर्ट। काला है और खुद सोच के आज उसका क्रियान्वयन हो रहा है। जून के महीने में सबके खाते शुरू हो जाएंगे 1000 रुपए डालने के लिए, सबके खाते। पुराने दिनों में क्या होता था, आज तक पतिदेव से पूछना था ना पैसा, भैया हमें 100 रुपए दो, इसके लिए फीस जमा करनी है, वो दो पैसा, हमें घर गृहस्थी के लिए इतना पैसा चाहिए। अब आप स्वावलंबी होने वाले हो और इसीलिए आज हम मामा जी की याद करते हैं। हमारे बाबा जी कौन? महिलाओं से पूछेंगे, एक साथ बोला आवाज जोर से और जोर से। और हमें एक और चीज याद करनी कि उनके साथ एक चिन्ह भी जाता है और वो है, ऐसा करो कमल का फूल। ये कमल एक हमारे देश के लिए धार्मिक चीज भी है, संस्कारिक चीज भी है और वो है हमारा कमल का फूल। और महिलाओं के लिए मैं कहती हूँ कि ये एक चिन्ह हम अगर अपने साथ लेंगे तो हमारी लाडली लक्ष्मी की याद भी आएगी, लाडली बहना की याद भी आएगी, प्रधानमंत्री आवास की याद भी आ जाएगी, मुख्यमंत्री की सड़क योजना की भी याद आ जाएगी। आपके हितग्राही जो है, जो फुटपाथ पे रहते हैं, उनके लिए भी जो योजनाएं हैं, वो उस चिन्ह से याद आएगी। मैं यहाँ लंबी भाषण देने के लिए नहीं आई, मैं यहाँ देखने के लिए आई कि हमारी योजना चल रही है कि नहीं, ठीक से क्या हम आज पंजीयन ठीक से कर रहे हैं कि नहीं। एक एक महिला जो पात्रता रखती है, उस पात्रता में कोई रह न जाए, इसीलिए मैं आज यहाँ आई हूँ। मैं आप सबको धन्यवाद दूंगी कि आप आज आए एक महिला के लिए, और आज एक महिला यहाँ है आप सब के लिए। बहुत बहुत समय निकल गया जब हम अकेले चलते रहे, और आज हमें बहुत खुशी है कि ये पूरी महिलाओं की एक संगठन हमारे लिए, हमारे देश के लिए खड़ी है, हमारे मध्य प्रदेश के लिए खड़ी है, हमारे एक एक परिवार के लिए खड़ी है। और आज हमारे इस विकास की यात्रा में महिलाएं क्यों छूट जाएं? कभी हम लोगों ने अपने प्रश्न किया है अपने साथ? आज महिला ही पूरे परिवार की देखरेख करती है कि नहीं, करती है कि नहीं? बोलो बोलो। ये जो सब पुरुष है ना, इनके पीछे भी एक महिला खड़ी है। तो आज हमारा समय आया है और आप अपने लिए तालियां बजाओ। मैं भी बहुत खुश हूं, क्यों? क्योंकि अकेले महिला चल चल के इन सब पुरुषों के बीच में
कायदा की फौज खड़ी हो रही।